हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो हमने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने लास्ट लेक्चर में ग्रुप 15 के आयोनाइजेशन एनर्जी को समझ लिया था। उसको आप लोग अच्छे से याद कर लो, उसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली वहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को समझते बच्चों ग्रुप 15 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी को लिख देते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा था ये नाइट्रोजन, ये फॉस्फोरस, ये आर्सेनिक ऐसे लिखा था, ये एंटीमनी और ये बिस्मिथ, ऐसे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहेगा बच्चों। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, हीना नीना और करीना जेरोक्स करते रहना। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2s2, 2p3, 3s2, 3p3, इसके बाद d आता है बच्चों, याद आया आपको? इसके बाद आता है 3d10, 4s2, 4p3, इसके बाद क्या होता है 4d10, 5s2, 5p3, इसके बाद क्या होता है 5d10, सॉरी इसके बाद होता है 4f14, 5d10, 6s2, 6p3। आई होप सो कि अब ये सब बातें आप लोगों को याद होगी, इसका एटॉमिक नंबर भी अब आप लोगों को याद होगा। चलो अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? सबसे पहले मैंने आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बता दिया था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है बच्चों, समझना बात को ध्यान से, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है बच्चों यहाँ पर, कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक इलेक्ट्रॉन एडिशन ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब हम एडिशन करेंगे, तो ध्यान रखना एडिशन। अब वो एनर्जी रिलीज प्रोसेस। ठीक है, एनर्जी रिलीज इन द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड गैसेस एटम। मतलब क्या होता है बच्चों, आइसोलेटेड गैसेस एटम मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कि एनर्जी रिलीज व्हेन द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड गैसेस, व्हेन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड गैसेस एटम। मतलब क्या होता है कि जैसे ही ये मेरा कोई आइसोलेटेड गैसेस एटम है, आइसोलेटेड क्या है बच्चों, गैसियस एटम है, एक ही चीज को बार बार पढ़ाऊंगा ध्यान रखना, आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो क्या बन गया बच्चों, ये एम माइनस। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर हमारा होगा हमारा यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी यहाँ पर हमारी एनर्जी रिलीज होगी, देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारे एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, रिलीज हो जाएगी, यहाँ पर हमारे एनर्जी रिलीज होगी। तो इसका मतलब ये आपका कौन सा फिनोमिना होगा, एक्सोथर्मिक फिनोमिना। कौन सा फिनोमिना होगा, एक्सोथर्मिक फिनोमिना। और एक्सोथर्मिक फिनोमिना का मतलब डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। डेल्टा एच क्या हो जाएगा बच्चों आपका, नेगेटिव। ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, डेल्टा एच विल बी व्हाट, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोगों ने देखा बच्चों इसको, तो इसको हम इस तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चे इसमें कि यहाँ पर एनर्जी आपकी रिलीज होती है, यहाँ पर एनर्जी आपकी रिलीज होती है, यहाँ पर एनर्जी आपकी रिलीज होती है। तो यहाँ तक अब आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम समझते हैं बच्चों इसमें कि जब यहाँ पर आप अगर आपकी एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पर जब आपकी क्या होती है बच्चों, एनर्जी रिलीज होती है, तो क्या होगा बच्चों, सबसे पहले जब यहाँ पर आइसोलेटेड गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और आपके एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इसका ट्रेंड कैसा चलता है, इसका ट्रेंड जो होता है वो कैसा चलता है। अगर मैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करूँ, क्या करूँ, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करूँ, और अगर मैं पीरियोडिक टेबल में
टॉप टू बॉटम मूव करूं, ठीक है, अगर मैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करूं और अगर मैं पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम मूव करूं, तो देखो थोड़ा सा आप लोग समझो, यहां से यहां जाते तो साइज घटती है, बहुत बार लिखा है, यहां से यहां जाते तो साइज आपकी बढ़ती है, ठीक है, तो साइज बढ़ती है साइज घटती है, तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे आप लोगों का क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको हम लोग समझते हैं अब, ठीक है ना, उसको हम लोग इजिली समझेंगे, तो देख लेते हैं। देखो एक मेरा छोटे साइज का एटम है, एक मेरा बड़े साइज का एटम है, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन आया आउटर मोस्ट साइड से, जब मैं इलेक्ट्रॉन का एडिशन कराऊंगा तो ये प्रोटोन आपका क्या होगा बच्चों, प्रोटोन आपका इजिली इसको अट्रैक्ट कर जाएगा, प्रोटोन आपका इजिली क्या हो जाएगा अट्रैक्ट कर जाएगा, अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होगी तो यहाँ पर एनर्जी आपकी ज़्यादा रिलीज होगी, मतलब यहाँ इजिली फिनोमिना होगा, ये वाला प्रोसेस इजिली होगा, लेकिन यहाँ पर भी आपका अट्रैक्शन पावर, यहाँ पर अट्रैक्शन पावर वीक होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की टुवर्ड एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर, इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड एफिनिटी क्या होगा यहाँ पर, इन दिस कंसेप्ट एफिनिटी टुवर्ड इलेक्ट्रॉन इज सो हाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड एफिनिटी मॉलिक्यूल का बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर क्या होगा एफिनिटी टुवर्ड इलेक्ट्रॉन इज सो लो अब देखो यहाँ पर एफिनिटी टुवर्ड इलेक्ट्रॉन आपका काफ़ी कम होगा, अब देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टुवर्ड अगर इलेक्ट्रॉन के काफ़ी ज़्यादा हाई होगा तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो इसका मतलब इसमें इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी बच्चों, ज़्यादा हो जाएगी, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाती है ज़्यादा होती है, और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी बच्चों हमारी कम हो जाएगी, ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, और जैसे जैसे साइज घटेगा सॉरी जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, तो यहाँ से यहाँ जाते तो साइज घटता है, इसका मतलब क्या बढ़ेगा बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा, ठीक है, और यहाँ पर साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर घट जाएगा, ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को एक जनरल ऑर्डर बता देता हूँ, जनरल ऑर्डर भी है बच्चों इसका, देख लेते हैं यहाँ पर जनरल ट्रेंड देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, अब मैं जनरल ट्रेंड बता देता हूँ, एक जनरल आपका ये जो था पहले वो जनरली था, ठीक है, पहले क्या था जनरली था, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट्स भी आते हैं, तो एक्सेप्शनल पॉइंट्स को डील कर लेते हैं बच्चों हम लोग। एक्सेप्शन ये है बच्चों इसमें कि सबसे बड़ा एक्सेप्शन जो है इसमें वो ये है कि इन समझना ध्यान से फोर्थ ए फिफ्थ ए सिक्स्थ ए और यहाँ पर आ जाएगा आपका सेवन्थ ए, ठीक है, फोर्थ ए फिफ्थ ए सिक्स्थ ए एंड सेवन्थ ए, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं हम अभी, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो यहाँ पर इस तरीके से आपका कुछ ट्रेंड चलता है बच्चों, इस तरीके से आपका कुछ यहाँ पर ट्रेंड चलेगा, ठीक है, यहाँ पर आपका इस तरीके से आपका कुछ ट्रेंड चलने वाला है, उसको ध्यान रखिए, ठीक है, ये मैंने क्या बनाया अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, देखो ये मैं बना दिया मैंने ग्रुप किसके लिए फिफ्थ ए के, ग्रुप फोर्थ ए के लिए, ये मैंने किसके लिए बनाया बच्चों ग्रुप फिफ्थ ए के लिए, ये मैंने किसके लिए बनाया बच्चों ग्रुप सिक्स्थ ए के लिए, और ये मैंने किसके लिए बनाया बच्चों ग्रुप एट्थ ए के लिए, ठीक है, ये मेरे सेवन्थ ए के लिए, ठीक है, ये मैंने बनाया। अब देखो ये लाइन इसके लिए, ये लाइन इसके लिए, पहले थोड़ा सा समझते हैं हम लोग कि क्या होता है जनरली एक्सेप्शन में भी, जनरली एक्सेप्शन में देखा गया है हमारा यहाँ पर सेकेंड पीरियड एलिमेंट का
सेकेंड पीरियड एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है एज कम्पेयर टू थर्ड पीरियड एलिमेंट। किससे? थर्ड पीरियड एलिमेंट। थर्ड पीरियड एलिमेंट से आपका जनरली कम होता है। ये बात हम लोगों ने नोटिस किया है किसमें? इन सारे ग्रुप में, इन सारे ग्रुप में हमने ये बात को नोटिस किया है। इस बात को ध्यान से समझना। अगर मैं बनाना चाहूँ तो यहाँ पर कार्बन आएगा, सिलिकॉन आएगा, जर्मेनियम आएगा, यहाँ पर SN आ जाएगा, यहाँ पर कौन आ जाएगा? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ओ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, और यहाँ पर आपका आ जाएगा टेलुरियम, और यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आप ग्राफ से समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर इन सब का क्या होगा। तो अगर मैं बात करूँ ग्राफ के हिसाब से, तो ग्रुप फिफ्थ ए का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर होगा वो क्या होगा बच्चों? सबसे ज़्यादा आपका फॉस्फोरस का होगा। फॉस्फोरस के बाद कौन आ रहा है नीचे आपका लेवल? नाइट्रोजन। ये आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला है बेटा, ध्यान रखना। नाइट्रोजन देखो, फॉस्फोरस के बाद नीचे वाला पॉइंट आपका नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के बाद कौन आ रहा है बच्चों? आपका आर्सेनिक। आर्सेनिक के बाद कौन आ रहा है? एंटीमनी। अगर मैं बात करूँ ग्रुप सिक्स ए की, ग्रुप सिक्स ए की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन आ जाएगा, सबसे आगे आ जाएगा बेटा आपका सल्फर। अब ध्यान से देखोगे तो सेलेनियम का मैंने पॉइंट देखो, सेलेनियम मैंने थोड़ा ऊपर बनाया, यहाँ पर मैंने नाइट्रोजन के नीचे आर्सेनिक है, यहाँ पर फ्लोरीन के नीचे ब्रोमीन है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर ही आपका सेलेनियम है। तो सेलेनियम, सेलेनियम के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद टेलुरियम। और अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर ग्रुप सेवन ए की, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप अभी ध्यान रखिए, ये मैंने पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया हुआ है, लेकिन आप थोड़ा सा इस पर फोकस करिए। इसका रीज़न अगर जानना है तो मैं आपको बता देता हूँ फिर भी आपका रीज़न, कि आप देखोगे कि जो आपका जो यहाँ पर फ्लोरीन है, आप देखोगे यहाँ पर समझोगे, फ्लोरीन का साइज क्या होता है बच्चों? काफ़ी छोटा होता है। इसी फ्लोरीन का साइज काफ़ी छोटा होता है। इन सब का साइज क्या होता है? इन सब का साइज आपका स्मॉल साइज होता है। इन सब का साइज क्या होता है बच्चों? यहाँ पर स्मॉल होता है। इन सब का साइज यहाँ पर आपका क्या होगा बच्चों? स्मॉल साइज होगा। और स्मॉल साइज होगा तो स्मॉल साइज होगा तो स्मॉल साइज में क्या होगा बच्चों? यहाँ पर जैसे जैसे देखो, ये एटम है, स्मॉल साइज में क्या होगा? यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा। बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये इसको अट्रैक्ट तो करेगा, साथ साथ कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? ये वाले फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा ये। अब जब ये वाले फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा तो इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू फिर हमको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों? नेगेटिव हो जाती है। इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, बात ध्यान रखना। इन सब के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आपकी थोड़ी नेगेटिव आपकी हो जाती है। इन सब के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आपके यहाँ पर नेगेटिव आती है। इसके बारे में और मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आप पहले इस चीज़ को ध्यान रखो। स्मॉल साइज होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड पीरियड एलिमेंट का थर्ड पीरियड एलिमेंट से कम होता है। क्या होता है रीज़न? ड्यू टू द स्मॉल साइज। ठीक है, अभी मैं नाइट्रोजन फैमिली पर आऊँगा। ड्यू टू द स्मॉल साइज आपका जो आपका सेकेंड पीरियड एलिमेंट होता है उसका थर्ड पीरियड से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू काफ़ी कम होती है। ठीक है, अब हम डिटेल पे चलते हैं थोड़ा सा, जहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम समझते हैं यहाँ पर जनरली, ध्यान रखना यहाँ पर एक्सेप्शन में दो दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखना। यहाँ पर आप लोग जानते हो, एज वी नो दैट हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम लोग बच्चों? हम यहाँ पर ये बात जानते हैं कि जो यहाँ पर आपका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है और आपका फुल फिल्ड ऑर्बिटल होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी काफ़ी कम होती है। उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू जीरो होती है। क्या होती है? अप्रोक्सीमेट इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू जीरो होती है। क्या होती है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अप्रोक्सीमेट जीरो होती है। ठीक है, और ये बात भी जानते हो आप लोग कि अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी बनाऊंगा तो इन सब की आयोनाइजेशन एनर्जी
आपकी सबसे ज्यादा हाई होती है, इन सबके आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा हाई होती है। और आप देखोगे कि नाइट्रोजन फैमिली का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, नाइट्रोजन फैमिली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों, वो क्या होता है, वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP3। अब ये बताओ NH2NP3 होता है, अब NH2NP3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से यहाँ पर P में 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या है बच्चों आपका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, मतलब ये क्या है बच्चों आपका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने की वजह से, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने की वजह से क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ, जहाँ पर इसका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो आप मतलब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है, सो यहाँ पर लिख लो, ड्यू टू द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली इज सो लो, ठीक है, काफी कम होता है, बट नाइट्रोजन फैमिली का काफ़ी कम होता है, मतलब अगर मैं बात करूं कि नाइट्रोजन फैमिली का आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू काफ़ी कम होती है एज कम्पेयर टू ग्रुप फोर्थ ए, मतलब ग्रुप फोर्थ ए से काफ़ी कम होती है। मतलब आपका ध्यान रखो कि कल हमने बताया था आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा ऑक्सीजन से, अब यहाँ मैं बता रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन वो एफिनिटी होगा वो आपका एक्चुअली नाइट्रोजन फैमिली का कम होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन फैमिली, और कार्बन फैमिली से ज़्यादा होता है ऑक्सीजन फैमिली। तो ये जस्ट उल्टा थोड़ा सा इफेक्ट है, इसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, ये पॉइंट है, थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जनरली, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा और काफ़ी इजी है, एक दो बार पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आने लग जाएगा कि क्या क्या रीज़न है, एक दो बार अगर आपने रीज़न को ध्यान से समझा तो आप लोगों को सब समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं एक और हम पॉइंट यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो यहाँ पर बोलेंगे, अब देखो, ड्यू टू द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल नाइट्रोजन फैमिली हैज़ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नाइट्रोजन फैमिली आपका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखता है, उसमें भी सबसे ज़्यादा नेगेटिव किसका होता है, नाइट्रोजन एटम का, ठीक है, मतलब कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखता है, इस बात को समझेंगे। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पर समझते, ड्यू टू द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल नाइट्रोजन फैमिली हैज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, डेल्टा एच ऑफ ई जी इक्वल टू माइनस ऑफ ई ए। तो यहाँ पर डेल्टा एच ऑफ ई जी में अगर मैंने यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होता है तो नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा अपने आप आपका बेटा पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो फिनोमिना होगा वो क्या होगा बच्चों, एंडोथर्मिक होगा। कौन सा फिनोमिना होगा, एंडोथर्मिक। और मैंने शुरुआत में क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सोथर्मिक फिनोमिना, बट यहाँ पर कौन सा फिनोमिना होगा बच्चों आपका, एंडोथर्मिक फिनोमिना। तो इस पॉइंट को आप लोगों को ध्यान रखना है, ये पॉइंट काफी इजी है, काफी सिंपल है, नाइट्रोजन फैमिली में ऐसे ही ध्यान रखना है आपको। एक बार रीड मारो चैप्टर अच्छे से, रीड मारने से आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
अगला अगला जो डिटेल कंसेप्ट है वो हमारा कौन सा है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका होता क्या बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने बता रखा है आप लोगों को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बेटा, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बोन पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बोन पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, मतलब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाईली बोन पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो क्या बोलेंगे बेटा, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, मतलब अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी, टुवर्ड इटसेल्फ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी। तो क्या होगा बेटा, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी। जैसे अगर मैं बात करूंगा ए और बी, तो ए और बी में क्या होगा, ए की अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ए अगर आपका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और बी अगर आपका लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो क्या होगा बच्चों, ए की क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा, क्या करेगा ये आपको अपनी ओर खींच लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये अपने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो ये तो होता है। अब नाइट्रोजन फैमिली के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होती है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मिथ, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर नाइट्रोजन का होता है आपका 3.0, फॉस्फोरस का होता है 2.19, आर्सेनिक का आपका होता है 2.0, आर्सेनिक का आपका कितना होता है बच्चों 2.0, एंटीमनी का आपका होता है 1.9 और बिस्मिथ का भी अप्रोक्सीमेट 1.9 होता है। दिस वैल्यू इज कम्स फ्रॉम पॉलिंग स्केल, दिस वैल्यू इज कम्स फ्रॉम पॉलिंग स्केल, ठीक है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होती है, उसमें मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, उसमें कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा होता है बच्चों, मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, और जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉन मेटालिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेटालिक कैरेक्टर। अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मेटालिक कैरेक्टर, सॉरी। अब ध्यान से समझो, देखो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसमें नॉन मेटल कैरेक्टर ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों आपके क्या होते हैं, नॉन मेटल, दोनों आपके क्या होते हैं बच्चों, नॉन मेटल, और ये दोनों आपके क्या होते हैं बच्चों, सेमी मेटल, ये दोनों आपके क्या होते हैं बच्चों, सेमी मेटल, ठीक है। सेमी मेटल को याद करने का तरीका समझो, भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा जैसी सब। आप देखो यहाँ पर एस और एस बी भी आ गया, तो ये दोनों के दोनों आपके सेमी मेटल होते हैं। बिस्मित आपका क्या होता है बच्चों, आपका बिस्मित आपका होता है मेटल, बिस्मित आपका क्या होता है बेटा, मेटल होता है, और मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू काफ़ी कम होती है, मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आपकी क्या होती है बच्चों, काफ़ी कम होती है। तो आप लोग देख सकते हो डाउन टू द ग्रुप जाने पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। इफ वी मूव डाउन टू द ग्रुप, अगर मैं डाउन टू द ग्रुप जाऊंगा, मतलब ग्रुप में नीचे की ओर जाऊंगा, तो आपका क्या होगा बच्चों, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। व्हेन वी मूव डाउन टू द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज, ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर आपका बढ़ेगा, मेटालिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन फैमिली में डाउन टू द ग्रुप जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर आपका बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड ध्यान रखो बच्चों, अभी शुरुआत में आपको टफ लगेगा, फिर धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे चैप्टर में, तो आपको चैप्टर ईजी लगने लग जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कौन सा अगला पॉइंट है हमारा, है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। समझ लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को हम समझ लेते हैं क्या होता है। अब देखो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। जैसे ही मैं ग्रुप में डाउन टू द जाऊंगा, तो आपका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, वो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा
ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा फिर आपका डिक्रीज होगा, ठीक है। व्हेन वी मूव टू द, अगर मैं ग्रुप में डाउन टू द ग्रुप जाऊंगा, अगर मैं ग्रुप में डाउन टू द ग्रुप जाऊंगा तो क्या होगा? देखो, अगर मैं ग्रुप में डाउन टू द ग्रुप जाऊंगा मतलब ऐसे मूव करूंगा तो बॉइलिंग पॉइंट तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कंटिन्यूसली आपका क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या हो जाएगा बच्चों, कंटिन्यूसली डिक्रीज आपका हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे पहले नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस, नाइट्रोजन टू क्या बच्चों, नाइट्रोजन टू आर्सेनिक, सॉरी नाइट्रोजन टू आर्सेनिक आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, और आपका आर्सेनिक टू एंटीमनी आपका बढ़ने लग जाएगा। आर्सेनिक टू एंटीमा, आर्सेनिक टू विस्मित आपका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होने लग जाएगा। क्यों ऐसा होगा, इसका सिंपल रीजन मैं बता सकता हूँ, क्योंकि बी आई क्या होता है, मेटल। बी आई क्या होता है बच्चों, मेटल, और मेटल में मेटालिक बॉन्डिंग ज़्यादा प्योर होती है, मेटालिक बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट आपका बढ़ जाता है। तो इस वजह से ध्यान रखना, मेटल की बॉइलिंग पॉइंट हमेशा, मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा रहेगी, तो इस वजह से इसका बढ़ता है बच्चों। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा दो तीन बार फोकस करना, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो आई होप कि आपको यहाँ तक अब समझ में आ चुका होगा। अब हम देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इनर्ट पेयर इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट अब हम समझ लेते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है बच्चों, इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट, कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, कल का अगर कंसेप्ट याद हो गया होगा तो आप आज का फिर से याद हो जाएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो देखो, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ और अगर मैं इसका बना रहा हूँ, तो यहाँ पर समझो बी आई एटम मैंने बनाया, तो बी आई एटम में कि क्या होगा, 4F आएगा, 4F के बाद 5D आएगा। ऐसे नहीं बना के ऐसे बनाता हूँ, ये तो ऑर्बिट हो गया, ये मेरे पास 4F हो गया, ये मेरे पास आपका हो गया 5D, ठीक है, और यहाँ पर 6s2 के इलेक्ट्रॉन पड़े। अब आप लोग जानते हो यहाँ पर कि शील्डिंग इफेक्ट किसका ज़्यादा होता है, शील्डिंग इफेक्ट आपका किसका वीक होता है, ये भी जानते हो, शील्डिंग इफेक्ट आपका किसका वीक होता है, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ एंड डी ऑर्बिटल इज वेरी लो, एफ एंड डी ऑर्बिटल इज वेरी लो। अब इसका शील्डिंग इफेक्ट काफ़ी कम होता है, इसका क्या कम होता है बच्चों, शील्डिंग इफेक्ट काफ़ी कम होता है, एफ एंड डी ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट काफ़ी कम होता है। तो क्या, क्यों ऐसा होता है समझना, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डी ऑर्बिटल का साइज बहुत बड़ा है, एफ ऑर्बिटल का साइज बहुत बड़ा है, डी ऑर्बिटल का साइज बहुत बड़ा है और एफ ऑर्बिटल का साइज बहुत बड़ा है। साइज बड़ा जितना बड़ा साइज होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन उतने दूर दूर होंगे। तो यहाँ पर भी मैंने इलेक्ट्रॉन को दूर दूर बना दिए, थोड़ा समझने की कोशिश करो, इलेक्ट्रॉन मैंने दूर दूर बना दिए। हाँ, डी में इलेक्ट्रॉन थोड़े थोड़े पास होंगे लेकिन एफ में तो बहुत दूर दूर होंगे। तो ये क्या करेगा, इस न्यूट्रॉन को ये एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन इजिली अट्रैक्ट कर सकता है, अट्रैक्ट करने के लिए डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है। तो क्या होगा आपका, एस से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एस ऑर्बिटल विल बी सो टफ। मतलब हम यहाँ से एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते, तो हम केवल और केवल कहाँ से निकालेंगे इलेक्ट्रॉन को, केवल और केवल पी ऑर्बिटल से, और पी ऑर्बिटल से निकालेंगे तो कितने निकाल सकते, 3। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, +3। तो बात ये होती है, इनर्ट पेयर इफेक्ट हमको क्या बताता है, व्हेन वी मूव डाउन टू द ग्रुप इन पी ब्लॉक एलिमेंट में, जैसे ही मैं डाउन टू द ग्रुप आपके मूव करता हूँ, तो आपका क्या होता है, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर विल बी स्टेबल। आपका लोअर ऑक्सीडेशन नंबर आपका स्टेबल होता है, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन नंबर आपका स्टेबल होगा। ये बातें आपको समझ में आ गई,
तो इसका मतलब बिस्मिथ प्लस 5 ज्यादा स्टेबल होगा या फिर बिस्मिथ प्लस 2, बिस्मिथ प्लस 3, बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा? आप लोगों को पता है, देखो डाउन टू द ग्रुप है, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर आपका ज्यादा स्टेबल होगा, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों? आपका बीआई प्लस 3, आपका कौन ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों? यहाँ पर बीआई प्लस 3, तो ये तो आपका ये तो आपका क्या हुआ बच्चों? यहाँ पर ये आपका इसका इफेक्ट हुआ। अब इससे क्या समझने को मिला? इससे हमको ये समझने को मिला कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक, ये तीनों आपके कहीं हद तक प्लस 5 दिखा सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये प्लस 5 ऑक्सीडेशन नंबर दिखा सकते हैं, मतलब 5 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, 5 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होगी, मतलब इसमें 5 कोवेलेंट बॉन्ड आपके बनाने की पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है? 5 कोवेलेंट बॉन्ड ये आपका बना सकता है, ठीक है? और यहाँ पर अगर मैं बात किया एस बी और बी आई का, तो ये कितने बना सकता है बच्चों? आपके प्लस 3 ऑक्सीडेशन नंबर होने की वजह से यहाँ पर आपके 3 कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेगी। क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पर 3 कोवेलेंट बॉन्ड ही आपका बनेगा। क्लियर हुआ बात? इस तरीके से आप लोगों को इस पॉइंट को ध्यान रखना है, बातों को ध्यान से समझो। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या बोलता है? डाउन टू द ग्रुप जाएंगे तो आपका लोअर ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा स्टेबल होगा। अब देखो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर प्लस 3 है, तो प्लस 3 आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एलोट्रॉप्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एलोट्रॉप्स, जितना मैं लिखा रहा हूँ उतना अगर आप लोगों ने अच्छे से ध्यान दे लिया तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है? एलोट्रॉप्स, अब देखो एलोट्रॉप्स क्या होता है बच्चों, समझने की कोशिश करना। यहाँ पर एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स क्या होता है बच्चों? एलोट्रॉप्स ध्यान रखना, ग्रुप 15 एलिमेंट्स कैन फॉर्म और वो एलोट्रॉपिक फॉर्म। तो यहाँ पर हो सकता है ग्रुप 15 एलिमेंट कैन फॉर्म एलोट्रॉप्स एक्सेप्ट नाइट्रोजन एंड बिस्मिथ। मतलब नाइट्रोजन और बिस्मिथ को छोड़ के सब सारे के सारे आपके क्या बना सकते हैं बच्चों? यहाँ पर एलोट्रॉप बना सकते हैं। नाइट्रोजन क्यों नहीं एलोट्रॉप बनाएगा ध्यान रखना, नाइट्रोजन आपका कौन से फॉर्म में प्रेजेंस होता है? डाई नाइट्रोजन के फॉर्म में। और इसके बीच कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, कितने आपके होंगे बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड होगा, बात क्लियर है? तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी आपका पी पाई बॉन्ड होगा और यहाँ पर भी आपका पी पाई बॉन्ड होगा। इसका मतलब क्या है कि स्मॉल साइज होने की वजह से आपका पी पाई बॉन्ड बन रहा है, और पी पाई बॉन्ड आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, पी पाई बॉन्ड आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। कौन सी बॉन्डिंग होगी? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होगा बच्चों? ये आपका इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, अपने रूम टेम्परेचर पे इनर्ट होगा। तो क्या बोलेंगे? इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, अपने रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपका इनर्ट हो जाएगा, मतलब रूम टेम्परेचर पे किसी के साथ इसकी रिएक्टिविटी नहीं रहेगी, नो रिएक्टिविटी शो। मतलब ये हाई टेम्परेचर पे हो सकता है लेकिन लो टेम्परेचर पे नहीं होगा, मतलब किसी भी टाइप की रिएक्टिविटी को आपको शो नहीं करेगा, इस बात को ध्यान से समझो, ठीक है? आप देखो यहाँ पर कौन कौन से बनाते हैं, फॉस्फोरस बनाता है, आर्सेनिक बनाता है और एंटीमनी बनाता है। अब फॉस्फोरस क्या बनाता है? वाइट फॉस्फोरस, ठीक है? उसके बाद क्या होता है? ब्लैक फॉस्फोरस, उसके बाद होता है रेड फॉस्फोरस। तीन टाइप के आपके एलोट्रॉप बनाता है। कौन बनाता है बच्चों? फॉस्फोरस आपके कितने टाइप के एलोट्रॉप बनाता है बच्चों? तीन टाइप के, ठीक है? और आर्सेनिक आपको कौन सा बनाता है? येलो और ग्रे टाइप का बनाता है। और एंटीमनी आपका कौन सा बनाता है? एंटीमनी आपका बनाता है येलो और सिल्वरी ग्रे, ये इसके एलोट्रॉप है, एलोट्रॉप्स ऐसे बनाता है, येलो एलोट्रॉप और क्या बोलेंगे? सिल्वरी ग्रे एलोट्रॉप। समझ में आ गया बात? इतना आप लोगों को समझ में आना चाहिए काफ़ी अच्छे से। वाइट एलोट्रॉप्स को कभी कभी हम कौन सा एलोट्रॉप बोल दिया करते हैं बच्चों? येलो फॉस्फोरस, इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है? बिस्मिथ और नाइट्रोजन आपका नहीं बनाता। इन सम केस ध्यान रखना, ये वाली बात, इन सम केस
In some case, nitrogen can form allotropes. नाइट्रोजन आपका एलोट्रॉप्स बना सकता है। ये काफ़ी डिटेल वाला कंसेप्ट है, इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर N2 आपका एलोट्रॉप्स क्यों नहीं बनाता, क्योंकि उसमें पी पाई बॉन्डिंग होती है, क्योंकि उसमें क्या होती है बच्चों, पी पाई बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो इस वजह से नाइट्रोजन आपका एलोट्रॉप्स नहीं बनाता है, ठीक है। आपको एलोट्रॉप्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं बच्चों यहाँ पर फॉस्फोरस क्या होता है बच्चों, एक से ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पर क्या होगा, ये सारे के सारे आपके पॉली एटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, पॉली एटोमिक फॉर्म में। ये सारे के सारे आपके पॉली एटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन जो नाइट्रोजन होगा वो आपके दो एटम है ना, तो इसलिए ये आपको कौन से एटम है, डाई एटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। कौन से फॉर्म में, डाई एटोमिक फॉर्म में, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी, कौन से प्रॉपर्टी बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमारे पास है कैटिनेशन। सबसे पहले हमारे पास क्या है बच्चों, कैटिनेशन। तो समझ लेते हैं कैटिनेशन क्या होता है बच्चों। अब हम समझ लेते हैं यहाँ पर कैटिनेशन क्या होता है। देख लेते हैं कैटिनेशन क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर कैटिनेशन होता है बच्चों, एबिलिटी टू सेल्फ लिंकेज, मतलब अपने आप के साथ जुड़ने की एबिलिटी टू सेल्फ लिंकेज, मतलब एक एटम के, अपने ही टाइप के एक एटम के साथ जुड़ने को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, कैटिनेशन। जो कि आपकी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ की। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। कैटिनेशन पावर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन फैमिली में सबसे ज़्यादा कैटिनेशन पावर दिखाता है आपका फॉस्फोरस। समझते हैं यहाँ पर सेल्फ लिंकेज मतलब सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा है। NN सिंगल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा कि PP। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि N के पास यहाँ पर क्या होगा, लोन पेयर। यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा एक्ट करेगा। लोन पेयर रिपल्शन आपका क्या होगा, एक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नहीं करेगा, तो लोन पेयर रिपल्शन एक्ट करने की वजह से ये वाले बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ये वाली बॉन्ड लेंथ कैसी हो जाएगी बच्चों, बड़ी हो जाएगी। तो आपका क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी इसकी कम हो जाएगी, ये वाला बॉन्ड आपका वीक होगा। समझना एक और बार, यहाँ पर ये लोन पेयर है। लोन पेयर जब आपस में रिपल करेंगे तो एक दूसरे के दूर जाएंगे, तो बॉन्ड लेंथ को बढ़ाएंगे, और अगर बॉन्ड लेंथ को बढ़ा दिया तो क्या होगा बच्चों, बॉन्ड आपका वीक हो आपका हो जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पर, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज वीकर देन फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड। बात समझ में आ गया बच्चों। तो यहाँ पर कैटिनेशन पावर किस में ज़्यादा होती है बच्चों, आपके फॉस्फोरस में। कैटिनेशन पावर किस में आपकी ज़्यादा होती है बच्चों, फॉस्फोरस में। इस चीज़ को आप लोग समझना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर फिर से वही लाइन, ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फिफ्थ के और भी दूसरे एलिमेंट आपके कौन से फॉर्म में होते हैं बच्चों, पॉली एटोमिक फॉर्म में, इज प्रेजेंट इन पॉली एटोमिक फॉर्म, ठीक है। बट रिमेनिंग एलिमेंट ओनली लाइक नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन डाई एटोमिक फॉर्म। कौन से फॉर्म में, डाई एटोमिक फॉर्म में आपका ओनली प्रेजेंट करेगा। ये बात आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्यों ऐसा हो रहा है बच्चों, क्योंकि नाइट्रोजन आपका डाई एटोमिक फॉर्म में क्या है बच्चों, सबसे ज़्यादा स्टेबल। नाइट्रोजन आपका क्या है बच्चों, अपने साथ क्या क्या बना लेगा, पाई पाई बॉन्डिंग, और पी पाई बॉन्डिंग बनाने की वजह से
वो आप जब आपका रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं कर रहा होगा, जब वो आपका रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं कर रहा होगा तो यहाँ पर क्या ये बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो यहाँ पर और अदर एलिमेंट से नहीं जुड़ेगा, यहाँ पर आपका पी पाई बॉन्डिंग होने की वजह से, किसकी वजह से? पी पाई बॉन्डिंग होने की वजह से। बात क्लियर है? बात क्लियर है आपको? सारे कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गए बच्चों? ठीक है, अब हम देखते बच्चों यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। यहाँ पर देख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। तो देख लेते हैं यहाँ पर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली का ऑक्सीडेशन नंबर हमको देखना है। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली कहाँ से कहाँ लाई करती है? जनरल जो ऑक्सीडेशन नंबर है, जनरल ऑक्सीडेशन नंबर लाइज फ्रॉम, लाई फ्रॉम, लाई फ्रॉम ग्रुप नंबर -8 टू ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर, ठीक है, कहाँ से कहाँ लाई करती है? ग्रुप नंबर -8 से लेके ग्रुप नंबर तक, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन कौन सी फैमिली, कौन से ग्रुप में आता है? फिफ्थ ए ग्रुप में आता है, तो इसका ग्रुप नंबर कितना होगा? 5। तो क्या हो जाएगा? 5 - 8 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर हो जाएगा ग्रुप नंबर 8, सॉरी ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा? 5। तो कहाँ से कहाँ लाई करेगा? -2 ऑक्सीडेशन नंबर, और कहाँ तक? 5 तक, -2 नहीं, +3, क्या हो जाएगा? -3 से +5 तक आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या करेगा बच्चों? आपका ऑक्सीडेशन नंबर को शो करेगा। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट मैं बोलता हूँ बच्चों यहाँ पर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बात समझना, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है कि जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में हो उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में हो उसको हम क्या बोलते हैं? जिसके ऊपर अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में हो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो यहाँ पर एन और पी कैन ईजिली फॉर्म आपका क्या? नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ईजिली फॉर्म नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट। तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर वाले एलिमेंट को ईजिली फॉर्म कर सकता है। एज एग्जाम्पल मैं अगर बात करूँ Ca3P2 Mg3P2 Li3N, और यहाँ पर आ जाएगा आपका, एक और मैं ले लेता हूँ Mg3N2। अब देखो आपका यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखो, फॉस्फोरस का निकाल के देखो। तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर Ca के ऊपर +2 होता है, 3 + 2 = 2P = 0। बात क्लियर है? सी के ऊपर +3 होता है। आप देखो यहाँ पर 2P = क्या हो जाएगा बच्चों? 6 - 6। 2P = क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर -6। तो P = कितना हो गया बच्चों? यहाँ पर -3। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका +3, इसका आपका भी +3, इसका आप लोगों को निकालना है, इसको आपका होमवर्क है। इसमें आपका भी क्या होगा बच्चों? यहाँ पर +3। तो आप समझ में आ गया बच्चों ये कि किस तरीके से मैंने डिटेल किया यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर इसका नहीं, नाइट्रोजन का +3, यहाँ पर आपका फॉस्फाइड का +3 हो जाएगा, नाइट्रोजन का -3, सॉरी फॉस्फाइड का क्या हो जाएगा? -3, और इसका कितना होगा बच्चों? आपका -3। इस तरीके से आपका यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो ये बात अच्छे से जान के चलो
कि नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर कैन इजीली शोन बाय अ पी एंड नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एलिमेंट। ठीक है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एलिमेंट, ये पहला पॉइंट आप लोग ध्यान से समझो, पहला पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझो। पहला पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझो कि यहाँ पर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस केवल और केवल आपका नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर को शो कर सकता है, इस बात को ध्यान से समझो। अब देखो सेकंड पॉइंट यहाँ पर नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस कैन फॉर्म -2 ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब -2 ऑक्सीडेशन नंबर को भी फॉर्म कर सकता है। कैसे बच्चों, समझते हैं, जैसे N2H4 और मैं लिख दिया यहाँ पर P2H4, ये कंपाउंड है। आपको कंपाउंड ध्यान रखना है। सिंपल सी बात है कि मैंने जो लाइन लिखी है यहाँ से यहाँ लाई करता है, मैं उससे रिलेटेड कंपाउंड लिखा रहा हूँ, मैं एक्चुअली उससे रिलेटेड आप लोगों को कंपाउंड लिखा रहा हूँ। तो यहाँ नाइट्रोजन का अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना आएगा, -2। अगर फॉस्फोरस का निकालना चाहोगे तो -2। तो ऑक्सीडेशन नंबर इतने शो कर सकता है आप लोगों को, इतना ध्यान रखिए इस बारे में। ठीक है, थर्ड में क्वेश्चन आप लोगों को बताता था, थर्ड एक और करेगा, नाइट्रोजन कैन फॉर्म +1 एंड फॉस्फोरस ऑल्सो कैन फॉर्म +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एलिमेंट। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर थर्ड नाइट्रोजन कैन फॉर्म -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अगर बात किया यहाँ पर NH2OH में, तो N क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर -1, N क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका -1, N क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका -1। ठीक है, ये तो था हमारा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, किसकी, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा, अब हम समझते हैं यहाँ पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर कि पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा फेवरेबल कौन सा होता है, मोस्ट फेवरेबल ऑक्सीडेशन नंबर इज +5, मतलब सबसे ज़्यादा आपका +5 वाला सबसे ज़्यादा आपका फेवरेबल होता है। मोस्ट फेवरेबल ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या होता है बच्चों, +5। और यहीं पर मैंने आपको बताया था यहाँ पर AS, एंटीमनी और बिस्मिथ। अब देखो डाउन टू द ग्रुप जाते तो ऑक्सीडेशन नंबर लेस होता है, ये आपका +5 दिखा सकता है, ये आपका +3 दिखाएगा और ये भी आपका +3 दिखाएगा। बात समझ में आ गई बच्चों। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि अगर मैंने बोला कि नाइट्रोजन का +5 ज़्यादा, यहाँ पर मैं अगर बोलूँगा कि अगर मैं डाउन टू द ग्रुप जाऊँगा, समझना यहाँ पर, अगर मैं डाउन टू द ग्रुप जाऊंगा तो कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होगा, डाउन टू द ग्रुप +3 ऑक्सीडेशन नंबर आपका स्टेबल होगा और +5 ऑक्सीडेशन नंबर आपका अनस्टेबल होगा। बात को ध्यान से समझो, अगर मैं ग्रुप में डाउन ना जाके मैं अप टू द ग्रुप जाऊंगा तो +5 आपका स्टेबल होगा और +3 आपका क्या हो जाएगा, अनस्टेबल आप लोगों का हो जाएगा। इस बात को ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसमें एक और पॉइंट, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कैन शो +1 to +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, इसका पहला पॉइंट, हाँ, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस कैन शो +1 to +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब +1 to +4 भी दिखा सकता है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन आपका +1 से +4 दिखाएगा, इसका मतलब वो क्या करेगा बच्चों, आपका डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा, क्या करेगा, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है बच्चों, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, ये आप लोगों को सबसे बड़ा पॉइंट होगा। रेडॉक्स रिएक्शन इन विच
जैसे रेडॉक्स रिएक्शन में एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, जैसे मैंने बोला HNO2 से आपका क्या बनेगा HNO3 और NO। अब यहाँ पर नाइट्रोजन का प्लस 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन का प्लस 5 है, यहाँ पर नाइट्रोजन का प्लस 3 है। अब देखो अगर आपका नाइट्रोजन और फॉस्फोरस प्लस 1 से प्लस 4 के बीच वाला दिखाएगा, प्लस 1 से प्लस 4 का, तो इन अबव एग्जांपल मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पर, इन अबव एग्जांपल नाइट्रोजन, इन अबव एग्जांपल नाइट्रोजन शो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर बिटवीन प्लस 1 to +4, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर बिटवीन प्लस 1 to +4, सो इट विल बी डिसप्रोपोर्शनेट। नेट यहां पर क्या हो जाएगा, डिसप्रोपोर्शनेशन हो जाएगा। इसी तरीके से सेम एज इट इज इन फॉस्फोरस एटम आल्सो, इसी तरीके से आपका किसके अंदर होगा बच्चों, आपका फॉस्फोरस एटम के भी अंदर आप लोगों का होता है। इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ जाओ, काफी इजी कंसेप्ट है, काफी सिंपल है, ठीक है। अब हम चलते बच्चों यहां पर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट, तो देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट तो देख, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट, तो यहाँ पर देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट, मतलब यहाँ पर समझते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी, ग्रुप 15 एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले ध्यान रखना है एक चीज़ अपने लाइफ में, एक चीज़ ध्यान रखना कि केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, एनोमलस बिहेवियर। अब एनोमलस बिहेवियर क्या होता है बच्चों, एनोमलस बिहेवियर क्या होता है ध्यान से समझना, एनोमलस बिहेवियर आपका होता है बेटा फर्स्ट एटम ऑफ ईच ग्रुप, मतलब अपने ग्रुप का सबसे पहला एटम हमेशा वो क्या करेगा, एनोमलस बिहेवियर दिखाएगा, मतलब अपने मतलब नीचे वाले एलिमेंट की तरह नहीं, उससे भी कुछ हटके बिहेवियर दिखाएगा, समझना। जैसे अगर मैंने एज एग्जांपल मैंने यहाँ बात किया नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मिथ, और यहाँ पर बात किया ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलोरियम और पोलोनियम, और यहाँ पर बात किया मैंने यहाँ पर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो देखो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, ये आपका कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ इन इट्स रेस्पेक्टिव ग्रुप, अपने ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है, और अपने ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट हमेशा अपने ग्रुप के मतलब नीचे वाले एलिमेंट से कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी को शो करता है। ये जो NOF है, ये जो आपका NOF होगा वो it will show some different property, ये कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी को शो करता है, और कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी को शो करने की वजह से इसके जो डिफरेंट बिहेवियर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एनामलस बिहेवियर, क्या बोलते हैं, एनामलस बिहेवियर। अब बात समझ में आ गई होगी कि एनामलस बिहेवियर क्या होता है, कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ इट्स रेस्पेक्टिव ग्रुप इट शो आपका क्या, एनामलस बिहेवियर शो करेगा। बात क्लियर हुआ, कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम समझते हैं बच्चों यहाँ पर कि एनामलस बिहेवियर, तो यहाँ पर क्या है, इन ग्रुप 15 बोलो या फिर ग्रुप
15 को या फिर मैं ग्रुप 5th ए भी बोल देता हूँ. इन ग्रुप 5th ए नाइट्रोजन एटम विल शो एनामलस बिहेवियर. नाइट्रोजन एटम आपका एनामलस बिहेवियर शो करेगा. बहुत बढ़िया बात है. नाइट्रोजन एटम आपका कौन सा बिहेवियर शो करेगा बच्चों? एनामलस बिहेवियर. अब आपका यहाँ पर नाइट्रोजन एटम यहाँ पर अगर आपका एनामलस बिहेवियर को शो करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से समझना. नाइट्रोजन एटम अगर आपका यहाँ पर एनामलस बिहेवियर को शो करेगा तो क्यों शो करेगा, इसका रीजन क्या है? आप देख समझ सकते हो नाइट्रोजन एटम का साइज छोटा है ड्यू टू द स्मॉल साइज. और दूसरा क्या है बच्चों, यहाँ पर इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होती है तो क्या बोलेंगे, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी. फिर तीसरा क्या है बच्चों, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. और फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल. चलो देख लेते हैं नाइट्रोजन में क्यों होता है, समझते हैं इस पॉइंट को ज़्यादा हम बारीकी से समझेंगे, नाइट्रोजन में एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल क्यों होता है. तो देख लेते हैं हम लोग इसको अच्छे से, देख लेते हैं यहाँ पर. जैसे ही मैंने यहाँ पर नाइट्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहा तो क्या आएगा बच्चों, हीलियम 2s2 2p3. अब मुझे ये बताओ क्या 2 का d होता है? 2 का d नहीं होता है, d हमेशा 3d 4d 5d ऐसा होता है. d हमेशा कैसा होता है बच्चों, 3d 4d 5d वाला होता है, 2 का d नहीं होता है. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका डी ऑर्बिटल के एब्सेंस होने की वजह से डी ऑर्बिटल की एब्सेंस ही है. लेकिन अगर मैं बात करूँ फॉस्फोरस एटम की तो फॉस्फोरस एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं. यहाँ पर होगा नियॉन 3s2 3p3 और 3 का डी भी होगा. तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये हो गया आपका, यहाँ पर 3 का आपका डी भी खाली है, यहाँ पर 3 का आपका क्या खाली है बच्चों, डी ऑर्बिटल भी खाली है. अब जब यहाँ पर आपका 3 का डी ऑर्बिटल खाली है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 3 का डी ऑर्बिटल खाली है तो आप समझ सकते हो कि नीचे वाले एटम के वैकेंट डी ऑर्बिटल खाली होते हैं, ऊपर वाले एटम के वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते. यहाँ पर वैकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंस होते हैं, यहाँ पर वैकेंट डी ऑर्बिटल आपके क्या होते हैं बच्चों, एब्सेंस होते हैं. तो इसीलिए ये आपका एनामलस बिहेवियर दिखाता है बहुत अच्छे से. इस पॉइंट को ध्यान रखो, ये पॉइंट कभी कभी पूछ लेता है बच्चों ऑब्जेक्टिव में, मल्टीपल चॉइस में ये क्वेश्चन आप लोगों का अक्सर पूछ लिया जाता है. ठीक है, अब हम देख लेते हैं बच्चों आगे का पॉइंट. इसके आगे का पॉइंट हमारा क्या है बच्चों, इसके आगे का पॉइंट है यहाँ पर हमारा कि नाइट्रोजन एटम. अब देखो वो एनामलस बिहेवियर में मैं आपको एक दो पॉइंट और बता देता हूँ. यहाँ पर नाइट्रोजन एटम हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म अ पी पाई बॉन्डिंग. तो इसी में आगे का पॉइंट, एक ही लाइन 5 बार आ जाती है बच्चों, इसमें बार बार एक ही लाइन आएगी फिर आप लोग तंग होंगे. तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर नाइट्रोजन एटम प्रेजेंस इन डायएटॉमिक फॉर्म. मतलब ये डायएटॉमिक फॉर्म में नाइट्रोजन एटम ये करेगा, यहाँ पर पी पाई बॉन्डिंग होगी. यहाँ पर आपकी कौन सी बॉन्डिंग होगी, पी पाई बॉन्ड डेवलप होगा. यहाँ पर आपका पी पाई बॉन्ड होगा. बात क्लियर है. ठीक है, लेकिन बट फॉस्फोरस आर्सेनिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इट कैन फॉर्म पी पाई और डी पाई बॉन्ड ऑल्सो. अब समझ लेते हैं पी पाई डी पाई बॉन्ड भी बनाता है. अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर,
कि पी ओ एक्स थ्री, अगर इसका मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ, स्ट्रक्चर याद कर लेना बच्चों साथ साथ, ये एक्स, एक्स का मतलब हैलोजन, एक्स का मतलब यहाँ क्या है बच्चों, हैलोजन ग्रुप, एक्स का मतलब यहाँ क्या है बच्चों आपका, हैलोजन ग्रुप, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो ये वाली बॉन्डिंग होगी वो कौन सी होगी, ये वाली होगी पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, इसीलिए ये आपका बना सकता है। बात समझ में आ गया। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं, पी ओ आर थ्री। देखो आप पी ओ आर थ्री मतलब यहाँ पर R क्या हो जाएगा बच्चों, सी एच थ्री अल्काइल ग्रुप, सी एच थ्री अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर पी ओ सी एच थ्री, सी एच थ्री, सी एच थ्री, यहाँ पर सी टू एच फाइव भी हो सकता है एटसेट्रा, सी टू एच फाइव भी हो सकता है। अब देखो ये आपका क्या बनाएगा बच्चों, यहाँ पर पी पाई डी पाई बॉन्ड, यहाँ पर भी आपका क्या बनेगा, पी पाई डी पाई बॉन्ड बनाएगा। बात को ध्यान से समझो, यहाँ पर भी आपका पी पाई डी पाई बॉन्ड बनाएगा। अगर आपको पी पाई डी पाई बॉन्ड समझ में नहीं आए तो उससे रिलेटेड लेक्चर आप केमिकल बॉन्डिंग को एक बार रिपीट करो, पी पाई डी पाई बॉन्ड बनाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकलते हैं। ये एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, एस पी थ्री, हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ बच्चों आपका, एस पी थ्री। तो इसका एस ऑर्बिटल, इसका एक एस ऑर्बिटल, इसका एक पी ऑर्बिटल, इसका एक पी ऑर्बिटल, इसका एक पी ऑर्बिटल। फॉस्फोरस एटम को देखो ध्यान से, फॉस्फोरस एटम का एक एस ऑर्बिटल, एक पी, एक पी, एक पी, सारे के सारे काम आ गए। अब फॉस्फोरस के पास बचे कौन से ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। फॉस्फोरस के पास बचा कौन सा ऑर्बिटल बच्चों आपका, डी ऑर्बिटल, तो आ गया डी पाई। और ऑक्सीजन का कौन सा वाला पार्ट आपका पार्टिसिपेट करेगा, पी वाला, तो इसीलिए ये आपका पी पाई डी पाई। देखो फिर से इसमें sp3 है, तो यहाँ पर sp3 में हाइब्रिडाइजेशन में ओनली सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड वाले पहले हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है इसका, sp3, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या है बच्चों इसका, टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होने की वजह से, समझना। ये एक s p p p सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड वाले बन गए, sp3 हो गया कंप्लीट। अब जो एक बॉन्ड बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है आपका, डी ऑर्बिटल की वजह से। एक बॉन्ड आपके किसकी वजह से बन रहा है, ये वाला बॉन्ड आपके डी ऑर्बिटल, यहाँ पर फॉस्फोरस का डी ऑर्बिटल काम में आया। अब ऑक्सीजन के कौन से वो कौन से कंपाउंड से, ऑक्सीजन का लिखोगे तो 1s2 2s2 2p4, तो ऑक्सीजन के कौन से वाले से ये आपका ओवरलैप करेगा, पी वाले से, तो यहाँ पर क्या बना लेगा, पी पाई डी पाई। इस बात को आप लोग अच्छे से समझो, ऐसे निकालते पी पाई डी पाई। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते बच्चों, अब हम इसका यहाँ पर एक और एग्जांपल देख लेते हैं, पी डबल बॉन्ड सी एच टू, सी एच टू, इसको हम बोलते हैं विटिग रिएक्शन। ये विटिग रिएजेंट होता है, कौन सा होता है, विटिग रिएजेंट, ऐसा भी होता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम विटिग रिएजेंट, जो कि मैं ऑर्गेनिक में लूँगा काम में, विटिग रिएजेंट, इसको बोलते हैं विटिग रिएजेंट। लेकिन अभी मैं बताऊँगा यहाँ पर, अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर भी आपका ये वाला देखो एस पी 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 टेट्राहाइड्रल है, ठीक है, एस पी थ्री, सारे के सारे हाइब्रिड काम में आ गए, यहाँ पर फॉस्फोरस का डी ऑर्बिटल, यहाँ पर भी, तो ये कौन सा बॉन्ड है आपका, डी पाई पी पाई बॉन्ड काम में आएगा, डी पाई पी पाई बॉन्ड आपका बनेगा। तो ये एक लेक्चर मैंने केमिकल बॉन्डिंग में दिया हुआ है, डी पाई पी पाई बॉन्ड हम कैसे निकालते हैं उसमें आप लोग जाके देख सकते हो। मैं आपको इसी के थ्रू आप लोगों को बता दूंगा कि आपको कौन सा लेक्चर देखना चाहिए। एक बार 11th का लेक्चर रिपीट कर लीजिए आप केमिकल बॉन्डिंग का, ठीक है, तो डी पाई पी पाई बॉन्ड आपका बनेगा। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, अब देख लेते हैं बच्चों हम आगे की पॉइंट। अब यहाँ पर अब ये आप देखो, यहाँ पर ये तो था आपका किसके बारे में, ये तो था आपका यहाँ पर इसके एनामलस बिहेवियर के बारे में। ठीक है, एनामलस बिहेवियर के बारे में अब हम चलते हैं बच्चों कंपाउंड ऑफ ग्रुप 15। ठीक है, कंपाउंड ऑफ ग्रुप 15, तो कंपाउंड ऑफ ग्रुप 15 को हम कैसे डिस्कस करेंगे बच्चों, देखो कंपाउंड ऑफ ग्रुप 15, ग्रुप 15 के कंपाउंड को हम किस तरीके से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे हाइड्राइड, सबसे पहले हम क्या लेंगे बच्चों, हाइड्राइड। हाइड्राइड के बाद लेंगे हम उसके ऑक्साइड, ऑक्साइड के बाद लेंगे हम उसके
हैलाइड, उसके बाद हम क्या लेंगे बच्चों उसके हैलाइड। अब बात को समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम समझते बच्चों हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15। सबसे पहले हम क्या समझते बच्चों हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15, हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15। बात को ध्यान से समझना, ग्रुप 15 के हाइड्राइड आपके जनरली EH3 के होते हैं। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 इज EH3। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों आप लोगों का EH3। इसका मतलब मैं क्या बोलूँगा, ई यहाँ पर जो ई होगा वो क्या होगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर NH3 बनेगा, PH3 बनेगा, ASH3 बनेगा, SBH3 बनेगा और आपका क्या बनेगा यहाँ पर BiH3। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या, अमोनिया। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अमोनिया। बहुत अच्छा है, ध्यान रखना, बहुत अच्छे काम से आएगा बच्चों। इसको हम बोलते हैं अमोनिया, इसको हम बोलते हैं फॉस्फीन, इसको हम बोलते हैं फॉस्फीन, इसको हम बोलते हैं आर्सीन, इसको हम बोलते हैं स्टीबिन, इसको हम बोलते हैं बिस्मिथिन, बिस्मिथिन। अब समझो अमोनिया है। अमोनिया ये आपका कभी NH5 बनाएगा? नो, ये आपका नेवर, ये आपका इस फॉर्म में नहीं होगा, नेवर यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब समझो ना, नाइट्रोजन के पास क्या वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है? नहीं होता, मैंने एनिमल्स में लिखवाया था ना, तो इट कैन नॉट शो। इसका एक ही रीजन आता है बच्चों मैक्सिमम, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, सो NH5 डज नॉट एग्जिस्ट, NH5 आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये पॉइंट को ध्यान रखो। अगर मैं बात करूँ बिस्मिथ आपका BiH5 बनाएगा, देख लेते हैं। अब अगर मैं BiH5 बनाया, मैंने मान लिया बना लिया है, फिर भी Bi का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो क्या आएगा बच्चों, +5। और मैंने क्या बोला था, इन इनर्ट पेयर इफेक्ट डाउन टू द ग्रुप +3 ऑक्सीडेशन नंबर इज स्टेबल। मतलब डाउन टू द ग्रुप जाते तो +3 आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है बच्चों, आपका स्टेबल होता है। अगर मैं अब इन सब की बात करूं तो इन सब में क्या होगा देखो, आपका PiH5 होगा, क्या आपका ASH5 होगा, क्या आपका SBH5 होगा, ये सब नहीं होगा इसमें, नॉट पॉसिबल, ये भी नहीं होगा। तो कभी भी आप लोग EH5 टाइप के बारे में आप लोगों को सोचना नहीं है, कभी भी आपको EH5 टाइप के बारे में सोचना नहीं है हाइड्राइड के केस में। माना कि फॉस्फोरस आपके 5 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन EH5 नहीं बना सकता। आप बोल सकते हो इसमें तो वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसीलिए अमोनिया NH5 नहीं बनाता है। BiH3 आपका BiH5 नहीं बनाता है, क्यों? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट होने की वजह से इस पर +5 ऑक्सीडेशन नंबर अनस्टेबल होगा। लेकिन इन सब में क्या होता है बेटा, जनरली केमिकल बॉन्डिंग की बातें मैं आपको बता देता हूँ। अब केमिकल बॉन्डिंग की बातें हैं तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें। अब देखो ये केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड था कुछ कंसेप्ट, तो देख लेते हैं केमिकल बॉन्डिंग में मैंने क्या पढ़ाया था, कुछ इसका क्विक रिव्यू पीछे वाला ले लेते हैं। अब देखो केमिकल बॉन्डिंग के हिसाब से अगर मैंने PH5 बनाया, बात को ध्यान से समझना, रीजन वैसे पूछेगा तो कम चांसेस है।
आप बताओ, देर इज अ वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन. फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है. फॉस्फोरस का होता है 2.19 और हाइड्रोजन का होता है बच्चों 2.1. हाइड्रोजन का होता है 2.1 और फॉस्फोरस का होता है 2.19. तो काफी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है. तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी लेस. सो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पर क्या आएगा? वेरी लो आ जाएगा. क्या आ जाएगा? वेरी लो आ जाएगा. तो क्या ये इसको अट्रैक्ट कर पाएगा? इस पर जो चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव पर, पार्शियल चार्ज आएगा वो काफी कम आएगा. तो क्या ये इसको अट्रैक्ट कर पाएगा? यहाँ पर पार्शियल प्लस और यहाँ पर पार्शियल माइनस, काफी लो चार्ज आएगा. तो क्या ये इसको उतना अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं, अट्रैक्शन पावर वीक होता है. ठीक है. और अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है? हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है? ओनली सेम ऑर्बिटल विच हैव अप्रोक्सीमेट सेम एनर्जी ऑर्बिटल विच हैव अप्रोक्सीमेट सेम एनर्जी, इट कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन. समझना बात को. मतलब ऑर्बिटल जिसमें अप्रोक्सीमेट सेम एनर्जी होता है केवल वही आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है. अब समझो, तो यहाँ पर एस का तो काफी, एस की एनर्जी आपकी क्या होती है? काफी कम होती है. पी की काफी कम होती है, लेकिन डी की बहुत ज्यादा हो जाती है. ऐसा होता है. और यहाँ पर अट्रैक्शन भी कम है, तो ये इस कंडीशन पे फॉलो नहीं कर पाएगा. यहाँ पर ये आपका पॉसिबल नहीं हो पाएगा. लेकिन अब आपके माइंड में आएगा, सर अगर मैंने ऐसा बना दिया, देखो इसी का एक और एग्जांपल मैं बना देता हूँ. यहाँ पर इसी का एक और एग्जांपल मैं बना देता हूँ. समझने का प्रयास करना बच्चों, कोशिश करना. देखो अगर मैंने यहाँ पर बना दिया पी Cl, तो इस पर देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा. तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आपका क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा. इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम आएगा. और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम आने की वजह से यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ये इसको अट्रैक्ट करेगा. अब जब ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करते करते डी ऑर्बिटल की एनर्जी को क्या कर देगा बच्चों? कुछ ऐसा काम हो जाएगा, डी ऑर्बिटल की एनर्जी को कम कर देगा. और डी ऑर्बिटल की एनर्जी को कम कर देगा मतलब ये पॉसिबल हो जाएगा. मतलब वही आपका यहाँ पर पी के ऊपर प्लस चार्ज, पी के ऊपर जितना लो चार्ज होगा कंपाउंड नहीं बनेगा. तो ध्यान से समझना बच्चों कि आपका यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, PH5, ASH5 आपका हाइब्रिडाइजेशन की वजह से एग्जिस्ट नहीं करते. देखो PH5, ASH5 और कौन सा था, SBH5, इसमें आपका SP3D हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता है. SP3D हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों? नॉट डिफाइंड. इसके लिए नहीं है. हाइब्रिडाइजेशन डिफाइंड नहीं हुआ, सो इट कैन नॉट बी एग्जिस्ट. यह आपका एग्जिस्ट नहीं कर सकता. इस बात को ध्यान रखो. तो आपका NH5 एग्जिस्ट नहीं करता ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल. BiH5 एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि वो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से. और यहाँ पर ये सब भी एग्जिस्ट नहीं करते, केवल और केवल EH3 टाइप के एग्जिस्ट करते. ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया हुआ है, तो थोड़ा सा इस पर फोकस करो. ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन में करा ही दूंगा. अब देखो अगला क्वेश्चन समझते हैं. Why group 15 या फिर 50, दोनों एक ही बात है,
why group 15 element या फिर fifth element element why group 15 is called group 15 element is ऐसे नहीं why group 15 is called group 15 या group 5th is called Nicogen family. इसको Nicogen family क्यों बोलते हैं, ये सबसे बड़ा आपका क्वेश्चन है. इसको हम लोग Nicogen family क्यों बोलते हैं, इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन है बच्चों ये. तो बात समझना क्यों बोलते हैं. देखो यहाँ पर इसका ध्यान रखना, यहाँ पर PH3, ASS3 और SBS3 जो इसके हाइड्राइड होते हैं वो पॉइजनस होते हैं. क्या होते हैं बच्चों, पॉइजनस होते हैं. क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं. और पॉइजनस होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, Nicogen फैमिली. इसको हम क्या बोलते हैं, Nicogen फैमिली, क्योंकि इसका इसका वर्ड का मीनिंग होता है बच्चों पॉइजनस. Nicogen वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, आपका पॉइजनस. तो इस बात को आप लोग अच्छे से समझ जाओ, अच्छे से जान लो, ठीक है. इसको आप लोग रिपीट करो, रिपीट करो, बार 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 रिपीट करो, तो आपको समझ में आ जाएगा. तो ये तो था हमारा इसका आपका यहाँ पर हाइड्रेट के बारे में. अब हम देख लेते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ हाइड्रेट, प्रिपरेशन मेथड ऑफ हाइड्रेट. अब हाइड्रेट को प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे समझना. प्रिपरेशन मेथड ऑफ हाइड्रेट में एक ही बार में आप लोगों को समझाऊंगा. अगर आपका मेटल नाइट्राइड होगा, अगर आपका मेटल नाइट्राइड होगा, मेटल नाइट्राइड होगा, तो उसको अगर मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, मतलब पानी के साथ रिएक्शन कराऊंगा, तो वो अमोनिया देगा. अगर आपका मेटल फॉस्फाइड होगा, मेटल फॉस्फाइड होगा, तो आपका उसका पानी के साथ रिएक्शन कराऊंगा, तो वो पीएच थ्री देगा. अगर मैंने उसका मेटल आर्सेनाइड होगा, आर्सेनाइड होगा, और अगर मैंने उसका वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो वो आर्सिन बनाएगा. तो इस बात को समझो कि यहाँ पर आर्सेनाइड का मतलब है एस थ्री माइनस, फॉस्फाइड का मतलब है पी थ्री माइनस, नाइट्राइड का मतलब है एन थ्री माइनस. मेटल के साथ होनी चाहिए, किसके साथ होनी होनी चाहिए, मेटल के साथ. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं रिएक्शन लिखा देता हूँ आप लोगों को समझ में आ जाएगा. देखो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैग्नीशियम Mg3N2, ये कैसे बना समझना. Mg के ऊपर आपका प्लस टू होता है, N के ऊपर आपका माइनस थ्री होता है. ये इधर गया, ये यहाँ गया. ये सब तो आपको जनरली आपको क्लास उसमें सिखाया गया है. तो ये मैंने बना दिया मैग्नीशियम नाइट्राइड. अब देखो मैग्नीशियम N माइनस थ्री को बोलते हैं नाइट्राइड. मैग्नीशियम नाइट्राइड का जब मैं पानी के साथ रिएक्शन कराऊंगा, किसके साथ, पानी के साथ रिएक्शन कराऊंगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, MgOH का ट्वाइस, और साथ में क्या बन जाएगा, अमोनिया. क्योंकि नाइट्राइड है ना, नाइट्राइड है, ये आपका नाइट्राइड है. नाइट्राइड में क्या बनता है, अमोनिया. अगर मैं लिथियम इसका रिएक्शन कराऊंगा पानी के साथ, तो क्या बनेगा बच्चों, खुद से लिखने की कोशिश करो, LiOH और अमोनिया बन जाएगा, ठीक है. अगर मैंने बात किया यहाँ पर Ca3P2, तो इसका अगर मैंने पानी के साथ रिएक्शन कराया, और अब यहाँ पर फॉस्फाइड है, फॉस्फाइड का पानी के साथ रिएक्शन कराऊंगा, तो COOH का होल ट्वाइस, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, PH3. इसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फीन. इसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फीन, ठीक है. और अगर मैं बात करूं यहां पर एक और है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का अगर मैंने पानी के साथ रिएक्शन कराया, तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में आपका अमोनिया बन जाएगा. ये तो पहला प्रिपरेशन मेथड था. दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस, दिस इज द फर्स्ट मेथड. ये आपका पहला मेथड है. अब आपका दूसरा मेथड क्या होगा बच्चों, समझते हैं. अब आपका दूसरा मेथड क्या होगा, सेकंड मेथड, सेकंड जो प्रिपरेशन मेथड है वो आपका क्या होगा. पॉइंट को समझना है बच्चों आप लोगों को, आप लोगों को केवल और केवल पॉइंट्स को समझना है. सेकंड प्रिपरेशन मेथड होता है कि बच्चों यहां पर कि अगर मैंने EX3 की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवा दी, तो भी आपका क्या बनेगा, EH3 बनेगा, LiX बनेगा, और साथ में आपका AlX3 बनेगा, ये बनेगा, ठीक है. यहाँ पर X क्या होगा, यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर आपका है
यहाँ पर हैलाइड ग्रुप मतलब EX3 को, X का मतलब है हैलोजन, X का मतलब है हैलोजन। अब बात समझना, अगर मैंने NCl3 का रिएक्शन करा दिया LiLH4 के साथ, तो NCl3 किस में कन्वर्ट हो, आपका हो जाएगा NH3 में, LiCl में, NCl3 में, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझो, EX3 का रिएक्शन कराएंगे तो LiH4 के साथ कराएंगे तो ऐसा होगा, ठीक है। अब इस पॉइंट को समझने के लिए क्या होता है बच्चों, जो ये आपका LiH4 होता है, ये अपने में से H- इसको देता है। जनरली जो ये वाला रिएक्शन होता है वो किसके लिए होता है बच्चों, नोट डाल के हम लोग लिख सकते हैं, दिस रिएक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ BH3 एंड BH2। मतलब ये किसके फॉर्मेशन में काम आता है, BH3 एंड BH2। मतलब अगर मैंने BH3 और BH2, बात को ध्यान से समझना, BH3 और BH2 को मुझे बनाना होगा तो मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से बनाऊंगा, ऐसा नहीं करूंगा कि मैं बोरोन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ऐसा नहीं होता है बच्चों। ये एक्चुअली आपका एस ब्लॉक का रिएक्शन है जो आपको ध्यान रखना है आपसे, ठीक है। तो ध्यान रखना बच्चों, जब भी हम किसी भी हैलाइड का रिएक्शन मतलब NCl3 PCl3, जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ इससे रिलेटेड। अब देखो PCl3 इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करा दी, तो क्या बनेगा बच्चों, देखो पी तो पी वैसा का वैसा रहेगा, पी एच आ जाएगा यहाँ पर, PH3 यहाँ पर क्या जाएगा, LiCl और साथ में क्या जाएगा, NCl3, ठीक है, ये आपका बन जाएगा। ये रिएक्शन थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। तो आपको इतने रिएक्शनों को आप लोगों को आज याद करना है। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर मेरा समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।